हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और देखिए बेटा, ये हमारी एट्थ क्लास की वर्कशीट नंबर 6 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें दिया गया है एक पहेली। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से कुछ कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए। फिर थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि बिना खोले और बिना फाड़े बताइए कितने कंचे हैं। अब एक बच्चे फातिमा ने बताइए, देखिए बेटा क्या किया उसने, उसने पहली थैली में से एक कंचा निकाला, उसको तोला, उसका वजन 15 ग्राम था। फिर उसने जो दूसरी बंद थैली टीचर ने दी थी उसको तोला, उसका वजन 330 ग्राम था। अब उसने कहा टीचर से कि मैं संख्या आपको बता सकती हूँ। सभी बच्चे हैरान रह गए, देखिए उसने कैसे किया। माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या k है, तो अब बेटा एक कंचे का वजन 15 ग्राम है, तो k कंचों का वजन कितना हो गया, 15 × k, और सारे टोटल कितना ग्राम वजन है, 330 ग्राम। इसका मतलब 15k बराबर है 330 ग्राम। ऐसे हमने बराबर लिखा, फिर दोनों तरफ 15 से भाग कर दिया तो k की वैल्यू आ गई 22, क्योंकि यहाँ k से k, 15 से 15 कट गया। तो इस तरीके से बेटा तराजू, जिसके ऊपर हम वेट को तोलते हैं, वो समानता का प्रतीक होती है। और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों तरफ की साइड्स में या तो एक ही चीज जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, जिससे कि दोनों पक्ष हमेशा एक ही जैसे बने रहे। अब हम समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए बेटा, रैखिक मतलब जहां चर की घात एक हो। चर किसे कहते हैं, जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता, वेरिएबल्स जिन्हें हम एक्स वाई जेड से शो करते हैं, यू के ऐसा भी कुछ लिख देते हैं ना। और साथ ही साथ चर की संख्या कितनी है, वेरिएबल्स कितने आएंगे आपके पास, एक खाली, या तो एक्स होगा क्वेश्चन में या वाई होगा या जेड होगा, एक ही वेरिएबल होगा। उसके बाद समीकरण, देखिए बेटा समीकरण वो होता है जिसके दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और सीधा पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स इक्वल टू सी या बी वाई इक्वल टू डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट अचर है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और एक्स और वाई जो है हमारे, ये हमारे चर हैं। और अगर इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए तो इनका ग्राफ हमेशा किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल बनता है, सीधी लाइन। अब इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं बेटा। देखिए अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 3x, तो अब आपको पता है 3 इसमें क्या है, अचर है और एक्स चर है ना। लेकिन इन दोनों संख्याओं में क्या हो रहा है आपस में, इनके बीच में कोई निशान नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों संख्या आपस में गुणा हो रही हैं। क्या साइन मानोगे आप इसके बीच में, गुणा। और 3 के आगे कोई निशान नहीं है, तो 3 के आगे कौन सा साइन माना जाएगा, जमा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे -5 है इक्वल के इस तरफ, -5 है और हम इसको उठा के इस तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये इधर आके 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और प्लस की टर्म अगर इधर आएगी तो वो माइनस बन जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा हो रही है, ठीक है, गुणा अगर यहाँ पे हो रही है, इस साइड अगर कोई संख्या किसी के साथ गुणा हो रही है और हमें हटानी है यहाँ से, इस साइड से उठा के हमें दूसरी साइड ले जानी है, तो वो संख्या इधर जाके भाग हो जाएगी। तो ये किस गुणा किस में बदल जाएगा, भाग में, और भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में। देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x = 10। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है बेटा, ये जो हम वेरिएबल ले रहे हैं एक्स, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसे हम निकालना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए 2x = 10, मुझे खाली x की वैल्यू चाहिए ना, आप x को सर्कल कर दीजिए। अब x आप यहीं पे लिखेंगे, और जो इसके साथ फालतू है, दो है, दो गुणा हो रहा है ना, अभी आपको समझाया कि दो गुणा है इसके साथ, तो ये गुणा इधर जाके भाग में बदल जाएगा। इसके साथ
जो संख्या गुणा हो रही थी वो दूसरी तरफ की संख्या के साथ जाके भाग हो जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एंड दिस इज अवर आंसर। देखिए 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ देखिए x by 2 equal to 5। x बटा 2 का क्या मतलब है कि नीचे 2 से भाग किया जा रहा है इसे, तो अब हम दूसरी तरफ ले जाके 2 को गुणा कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। क्वेश्चंस इक्वेशंस के जब हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो आप कोशिश करें कि इक्वल के नीचे इक्वल साइन डालते जाएं और यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन डालते हैं तीर का निशान के साथ, और देखिए जिससे क्वेश्चन अच्छा भी रहता है, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होती है। नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 7 इक्वल टू 11। अब हमने क्या करना है, फिर से अब की बार पहले पूरी x वाली टर्म को आपने सर्कल कर दिया। अब देखिए इस तरफ फालतू क्या है, प्लस माइनस में भी जो फालतू होंगे सबसे पहले हम उन्हें हटाएंगे, इसको बाद में छेड़ेंगे बेटा। 2 भी इसके साथ गुणा में हो रहा है ना, लेकिन इसे हम अभी नहीं हटाएंगे, पहले जो प्लस या माइनस हो रहे होंगे टर्म्स उन्हें हटाया जाता है हमेशा। तो अब यहाँ पे 11 लिखा और जब 7 को उधर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बना, 2x इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हम अब पहले जैसे क्वेश्चन पे पहुँच गए, x यहीं छोड़ेंगे और 4 को 2 से भाग कर देंगे, आंसर इज 2। नेक्स्ट इसी तरीके से 2x माइनस 7 इक्वल टू 11। 2x यहाँ पे आपने छोड़ा, पहले सर्कल कर लिया ना इसे, अब माइनस 7 उधर जाके क्या बन गया, प्लस 7। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 18। एक्स को आप सर्कल कर लेंगे, अब मुझे x यहीं लिखना है खाली और 2 को हटाना है, आंसर आ गया 9। इसको आंसर को अगर आप इक्वेशन में रख के देखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। देखिए 9 × 2 = 18, 18 माइनस 7 11। नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 5, वेरी इजी बेटा, उसी तरीके से हमें करना है। तो आप इसको सर्कल कर लेंगे और इस क्वेश्चन को अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए 7x/2 इक्वल टू 2/7। एक्स को मुझे यही छोड़ना है तो इसको मैंने सर्कल कर लिया। अब देखिए 2/7 पहले लिखा आपने, अब यहाँ से ये हटाना है 7/2, तो 7 ऊपर है इसका मतलब गुणा हो रहा है, तो ये इसके साथ भाग हो जाएगा और 2 गुणा में, आंसर बन गया 4/49। नेक्स्ट देखिए 9u + 7u, ये भी u, तो एक ही जैसी टर्म्स हैं बेटा, लाइक टर्म्स, तो ये सॉल्व हो जाएंगी 16u = 4। अब आपको क्या करना है, u की वैल्यू चाहिए, तो u आप यहीं पे छोड़ देंगे, 16 को बटे में ले जाएंगे, भाग में गुणा हो रहा था ना, आंसर आएगा कट के 1/4। नेक्स्ट देखिए 3x + 4 = 4x - 3। अब बेटा हम देख रहे हैं कि x इधर भी है, x इधर भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाली टर्म्स या बिना वेरिएबल वाली कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा, 4 - 3 इधर जाके क्या बन जाएगा इसके साथ, +3। अब यहाँ पे क्या बचा, 4x, और यहाँ 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो बेटा क्या साइन माना जाएगा, प्लस, और जो कि इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपका आंसर आ गया 4 + 3 = 7 एंड 4x - 3x = x ओनली। नेक्स्ट देखिए फिर से दोनों साइड्स हमारे कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, तो पहले कलेक्ट करते हैं। 5x +3x इधर आके क्या हो गया, -3x। अब यहाँ पे पहले 5 ही लिखेंगे, फिर +9 इधर आके क्या बन जाएगा, -9। ये हो गया आपका 2x = -4। अब x को आपने सर्कल करके यहीं छोड़ देना है, -4/2।
that is minus 2. Next question में 8x plus 4, 3x minus 3, पहले bracket open करेंगे, अब like terms collect करेंगे, 8x minus 3x minus 3 plus 7, फिर आप यहाँ से उठा के पहले आप बेटा दूसरी साइड की सारी टर्म्स यहाँ पे लिख देंगे, अब जो इधर से लेके जाना है बाद में वो लिखेंगे, तो plus 4 यहाँ पे आके क्या बन गया, minus 4. 8x में से 3x माइनस करिए हमारे पास आ गया 5x एंड दिस इज माइनस 7 प्लस 7 जीरो. नेक्स्ट स्टेप में x को सर्कल किया, 5 को से भाग कर दिया और 0 से अगर 0 को अगर हम किसी भी नंबर से भाग करते हैं आंसर 0 ही रहता है. नेक्स्ट देखिए, अब बेटा हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां हमें इक्वेशंस अपने आप बनानी पड़ती हैं, तो देखिए कैसे करेंगे. क्या मानते हैं, एक वेरिएबल हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, अब किसे माने ये प्रॉब्लम है ना, तो मानोगे आप किसे, देखिए रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है, तो जिससे बोला जाएगा ना, जिससे ज्यादा है जिससे कम है उसके ही आप चीज मान लोगे एक्स. तो हम क्या मान लेंगे, माना मीना के पास कितनी पेंसिल है, मीना की पेंसिल्स इक्वल टू एक्स. तो रवि के पास कितनी हो गई बेटा, उससे 5 जाते हैं, जब अगर आप 5 ज्यादा करोगे तो उसको 5 जमा कर दोगे ना. अब आगे क्या कह रहा है, दोनों की मिलाकर 19 है, ये देखिए दोनों की मिलाकर 19 है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें, इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, प्रश्न के अनुसार दोनों को जमा कर दो. आप जमा करने से क्या मिलेगा, 19. अब देखिए इक्वेशन बन गई, x प्लस एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 19, जो कि हम पहले पीछे भी देख चुके हैं क्वेश्चन, 2x को ही यहाँ रखना है पहले, 5 को हटाना है उधर जाके, माइनस हो गया 14 में आ गया. अब x को रखेंगे खाली यहाँ पे, 2 से भाग कर देंगे यानी कि 7, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया कि मीना के पास कितनी पेंसिल है बेटा, मीना की पेंसिल आपने x माना था ना, जो कि 7 आया है 7, तो रवि के पास इससे 5 ज़्यादा कर दो, 12, 7 और 5 12, अब 12 और 7 जब हम टोटल करेंगे हमारा कितना बन जाएगा, 19. तो आप भी देखिए इसी तरीके की पजल्स अपने आप बना सकते हैं और उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं. तो फाइनली हमने क्या सीखा है बेटा, कि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, लेकिन अगर एक प्लस वाली संख्या को दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है तो वो उधर जाके क्या बन जाएगी, माइनस. माइनस की इधर लेके आओगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लस. ऐसे ही माइनस उधर जाके प्लस और प्लस इधर आके माइनस. गुणा और भाग एक दूसरे में बदल जाते हैं, गुणा भाग में, भाग गुणा में, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि हमारा सारा ही मैथ्स इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है. ये आपको चीज़ अगर आपने नहीं समझी या गलतियाँ करते रहे तो बेटा हमारा हमेशा ही मैथ्स वीक रहता है. तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बेटा, और आप अच्छे से इसको इतना एंजॉय करते हुए लर्न कीजिए कि आप परफेक्ट हो जाएं. ऑल द बेस्ट.